7-8 वर्षों में उधमपुर एक के बाद एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत से ऐसे संस्थान बनाए गए और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाए गए, जैसे देविका का प्रोजेक्ट अपने तरह का पहला, नमामि गंगा की तर्ज पर उत्तर भारत में पहला रेडियो स्टेशन की यहाँ स्थापना हुई है, पासपोर्ट ऑफिस की, और उसी तर्ज पर उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये सिस्मोलॉजिकल सेंटर यहाँ स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो एक्टिविटी होती है जिसका कहीं ना कहीं भूकंप के साथ ताल्लुक रहता है उसे समय पर डिटेक्ट करना और उसकी सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी, जो सबसे आधुनिक और संवेदनशील सेंसिटिव यंत्र है। पिछले 7-8 वर्षों में उधमपुर एक के बाद एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत से ऐसे संस्थान बनाए गए और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाए गए, जैसे देविका का प्रोजेक्ट अपने तरह का पहला, नमामि गंगा की तर्ज पर उत्तर भारत में पहला रेडियो स्टेशन की यहाँ स्थापना हुई है, पासपोर्ट ऑफिस की, और उसी तर्ज पर उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये सिस्मोलॉजिकल सेंटर यहाँ स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो एक्टिविटी होती है जिसका कहीं ना कहीं भूकंप के साथ ताल्लुक रहता है उसे समय पर डिटेक्ट करना और उसकी सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी, जो सबसे आधुनिक और संवेदनशील सेंसिटिव यंत्र है।